नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस बोध कथा के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, उसका शीर्षक है माँ का हृदय। एक महिला ने अपने पति के देहांत के बाद पुत्र को अत्यधिक कष्ट उठाकर पाल पोसकर उच्च शिक्षा दिलाकर उसे डॉक्टर बनाया। बेटे का विवाह भी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या से करवा दिया। कुछ दिन तो परिवार में ठीक चलता रहा, लेकिन आगे चलकर बहू को सास नागवार गुजरने लगी। बहू की सलाह और दबाव के कारण डॉक्टर बेटा वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। आते वक्त उसने माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए प्रति माह 500 रुपये भेजता रहूँगा तथा समय समय पर तुम्हारे पास मिलने के लिए आऊँगा। माँ ने मना किया, लेकिन उसने रुपये तो भेजना शुरू कर दिया। माँ से मिलने वह कभी नहीं जा सका। कुछ वर्ष गुजर गए, माँ बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टर बेटे को संदेश भेजा गया कि आकर माँ से मिल जाए। उसने कहलाया कि अभी बहुत मरीज हैं, शाम को आता हूँ। जब वह शाम को पहुँचा, तब तक माँ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब अफसोस करने के अलावा बचा ही क्या था। उसने वार्डन से पूछा, माँ ने मेरे लिए कुछ कहा था? वार्डन ने कहा, आप पूछते हैं कुछ क्या कहा था क्या? अरे वह तो हर समय आपको याद ही करती रहती थी। आपके लिए सदा उसकी आंखों में आंसू रहते थे। हाँ, उसने मरने से पहले मुझे 2 लिफाफे दिए थे और कहा था कि जब भी आए मेरे बेटे को दे देना। ये कहते हुए उसने दोनों लिफाफे डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर पुत्र ने देखा, एक लिफाफा हल्का और दूसरा भारी था। उसने पहले लिफाफे को खोला तो उसमें एक पत्र था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मेरी अंतिम इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं, प्यार से तुम्हारा माथा चूमूं और ढेर से आशीर्वाद दूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मरने से पहले यह पत्र लिखवा रही हूं तो मुझे खर्च के लिए प्रति माह 500 रुपये भेजते थे, पर यहाँ घर जैसी व्यवस्था थी, 2.5 साल में मेरे पास तुम्हारे भेजे हुए 15,000 इकट्ठे हो गए हैं। यह पैसे मेरे तो काम नहीं आए, लेकिन ये रुपए मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ। तुम तो मेरे अच्छे और उदार पुत्र रहे कि मुझे 500 प्रतिमाह भेजते रहे, लेकिन बेटा मुझे डर है कि तुम्हारी जो संतान होगी वह शायद तुम्हें 500 रुपये नहीं भेज पाए। उस वक्त तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी, तब ये रुपए तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें उस समय के लिए जमा रख देना। प्रेरणा माँ तो माँ ही होती है, संसार के सारे कष्ट उठाकर भी बेटे को आंखों का तारा ही मानती है।